तो 1360 डिग्री ऑफ वर्ली सिफेस। नाउ अबाउट टू कैच दैट ब्यूटीफुल सनसेट। Friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So in today's vlog I will show you the fourth service of my RR310. We'll provide each and every details that what are the things they do in fourth service of RR310. Also on second half of this vlog I will cover what are the places I'm going to ride next, what are the states, all the details will be shown on the second half of this vlog. There are the chances of rain, you can see, so I will catch you at service center. 2 hours later. So friends, I reached Hare Krishna TVS. अपनी बाइक यहाँ पे है, टोटल सर्विसिंग हो चुकी है। हरे कृष्णा TVS, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर योर सुपर सपोर्ट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस व्लॉग। सो फोर्थ सर्विस तो अपनी बाइक की हो चुकी है। नॉर्मली फोर्थ सर्विस में ऑयल चेंज और ये सब चीज़ नहीं होती है, बट एज आई एम गोइंग फॉर द माई वेरी बिग राइड, आई जस्ट थॉट कि फोर्थ सर्विस में इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं। तो आई जस्ट चेंज इंजन ऑयल फिल्टर एंड उसके बाद बोथ दी ब्रेक ऑयल्स एंड कूलेंट तो मैंने खुद ही टॉपअप कर लिया था, तो वो सब चीज़ चेंज हो गई फोर्थ सर्विस में। ऑल्सो व्हेन आई इंस्टॉल दिस एडजस्टेबल क्लच लीवर, उसके ऊपर की जो प्लेट थी वो मिस हो गई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट माई बाइक वॉज नॉट स्टार्टिंग इन गियर, एवरी टाइम आई हैव टू शिफ्ट इट टू न्यूट्रल गियर। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट वो पूरा असेंबली पार्ट चेंज कर लेते हैं, तो वो एक पार्ट मैंने चेंज कर लिया, तो उसका अराउंड मुझे कॉस्ट लगी 320 रुपीज़। ओवरऑल बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, बाइक अभी परफेक्टली वर्क कर रही है। ऑल्सो ऑन दिस टाइम आई इंस्टॉल द TVS सिंथेटिक ऑयल, लास्ट टाइम आई वॉज ट्राई बट वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, लकीली दिस टाइम दे हैव इट, सो आई इंस्टॉल दैट ऑन। सो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करती है बाइक ऑन सिंथेटिक ऑयल, बिकॉज स्टिल अभी तक मैंने इस बाइक के ऊपर ओनली मिनरल ऑयल यूज़ किया था। सो आफ्टर डूइंग द सर्विस यूज बाइक फ्रॉम लास्ट 2 डेज, मुझे तो बाइक का इंजन एकदम स्मूथ लग रहा है। लेट्स सी ऑन द राइड। सो ये हुआ पार्ट वन फिनिश, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट टू ऑफ दिस व्लॉग, दैट मीन वेयर आई एम राइडिंग। सो जब तक आप लोग ये व्लॉग देखोगे आई वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड माई राइड, सो आई प्रोमिस दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइड ऑन न्यू फोर्थ स्टेट। सो फर्स्ट स्टेट विल बी गुजरात, देन राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश एंड लास्टली बैक टू महाराष्ट्र। तो ऐसी कुछ राइड के प्लान है। दिस टाइम आई एम राइडिंग फॉर 15 डेज, लास्ट टाइम बहुत जल्दी जल्दी मैं राइड खत्म कर ली थी कन्याकुमारी रामेश्वरम की। सो बहुत सारे जो प्लेसेस थे मुझे एक्सप्लोर करने नहीं मिले, तो सो दैट्स वाई दिस टाइम आई थॉट कि इस बार जाएंगे तो पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे। सो दैट्स वाई आई टेक लॉन्गर लीव, आई यूज द गणेश हॉलीडेज। सो वॉट आर द प्लेसेज ऑन दिस फोर स्टेट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, वो तो मैं अभी नहीं बता सकता। तो फॉर ऑल द डिटेल्स यू गाइस हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा। अभी तक आप इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, देन आई विल रिक्वेस्ट टू यार इंस्टा पे मुझे बहुत जल्दी फॉलो करो, बिकॉज ऑन इंस्टा आई विल अपडेट लाइव लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेस विच आई एम गोइंग टू विजिट। द लिंक फॉर द माई इंस्टाग्राम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने व्लॉग के नीचे आती रहती है, यू कैन फॉलो मी देयर फॉर मोर अपडेट्स ऑफ दिस राइड। सो बाइक तो अपनी टोटली रेडी हो चुकी है फॉर द अपकमिंग राइड, ये एड ऑन एड कर लिया है। ऑल्सो मोबाइल होल्डर इज बैक ऑन माई बाइक, सो ओवरऑल बाइक इज रेडी फॉर द बिग राइड। सो फ्रेंड इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग, बहुत ही छोटा व्लॉग था आई नो, बट अभी आएंगे बहुत अच्छे अच्छे बहुत लंबे व्लॉग्स अपने चैनल पे आने वाले हैं, सो स्टे सब्सक्राइब। ऑल्सो ऑन दिस 15 डेज अपने चैनल के ऊपर व्लॉग्स आते रहेंगे, बिकॉज आई अपलोडेड द व्लॉग्स फॉर कोकन राइड्स व्लॉग्स, तो वो व्लॉग्स ये 15 डेज में अपने चैनल पर आते रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। ऑल्सो प्लीज़ वेट, तो इफ एनी ऑफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो यार डू हिट दैट लाइक बटन, अच्छा लगेगा हमें। हाँ, इन केस यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब, सो आई विल रिक्वेस्ट यू यार सब्सक्राइब कर लो टू नॉट मिस दोज ब्यूटीफुल व्लॉग्स ऑफ दैट न्यू स्टेट्स। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।